अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हारिस अजमी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। मैंने एक बड़ा इवेंट कवर करना था, जुपिटर 2018 में 8 नवंबर को अपना घर तब्दील करके काफ़ी पॉजिटिव हो गया है, सभी लोग जानते हैं। ये उसका चौथा पार्ट है कि वो सब सितारों के लिए क्या क्या कर रहा है। इस पार्ट में हम लोग कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसिस को डिस्कस करेंगे। जुपिटर खुशबख्ती का सितारा है, गर्दिश अयाम को टालता है, चीज़ों को तेज़ कर देता है, आसान कर देता है, लंबा कर देता है। अल्लाह ताला की तरफ से उसकी यही ड्यूटीज़ हैं और वो ये करेगा और एक साल के लिए पॉजिटिव हुआ है। कैप्रिकॉर्न के लिए वो 12th हाउस में है और 3rd हाउस के भी फायदे देगा, 12वें घर में और 3रे घर में। 12th हाउस के फ़ायदों में कोई बड़े फ़ायदे तो नहीं, 12th हाउस में ज़्यादातर चीज़ें कमज़ोर होती हैं, जुपिटर भी वहाँ कमज़ोर है, लेकिन कैप्रिकॉर्न को वो 12th हाउस में जो सैटर्न के अजाब, सैटर्न की खराबियाँ हैं, सैटर्न के लिए, सैटर्न की जो रेजिस्टेंसेज हैं, सारसती की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको बहरहाल कुछ हद तक बैलेंस करेगा। और ये एक साल अगर फर्म या ईजी या बगैर किसी नुकसान के इस जुपिटर की वजह से गुजरता है तो ये कैप्रिकॉर्न के लिए बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की तरफ से। बहरहाल ट्वेल्थ हाउस में जुपिटर की पॉजिटिविटी सैटर्न को किसी हद तक बैलेंस करेगी, लेकिन फिर भी उन्हें करीबी लोगों की तरफ से थोड़ी अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा, उसमें वो एहतियात बरते हैं। लेकिन शिद्दत ऑफ डेफिशिएंसी या शिद्दत जो खराबी है वो कम ज़रूर होगी, खराबी की शिद्दत में कमी ज़रूर आएगी। जो बहुत एहतियात करना पड़ रही थी वो ज़रा कम एहतियात करनी पड़ेगी, लेकिन सारसती तो है ना, वो एहतियात तो बहरहाल बरतना ही पड़ेगी। नए माली माहदे छोटे अरसे के लिए किए जा सकते हैं जो अप्रैल से पहले पहले पूरे हो जाए। छोटे सफ़र भी मुतवक्के हैं, वो भी इख्तियार किए जा सकते हैं। ये 12वें घर के एक दो एडवांटेजेस थे। जो 3rd हाउस के एडवांटेजेस हैं वो बड़े। जुपिटर जब 3rd हाउस में कैप्रिकॉर्न को होगा तो सैड सती अपनी जगह पर जो थोड़ा बहुत ट्रबल देगी, लेकिन उनके फैमिली के साथ ताल्लुक बहुत बेहतर हो जाएंगे। उनकी कागजी कार्रवाइयाँ, शहरियत हासिल करने के लिए, मुकदमे से छुटकारा हासिल करने के लिए, किसी पंचायत या नुकसान को दूर करने के लिए जो कागजी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें कुछ लिखत, वो उनकी फेवर में चला जाएगा। कानूनी मामलात भी आसान होंगे, इन पर जो तोहमत लगने का पहलू था वो भी कम हो जाएगा, और कोई काम जो पेंडिंग में चल रहे थे वो पूरे होने की तरफ, फिनिश लाइन की तरफ आ जाएंगे। और खूनी रिश्तों से ताल्लुकात बेहतर होने की वजह से दिल में ज़रा इत्मीनान, ज़िंदगी में थोड़ा ठहराव, थोड़ी सपोर्ट भी आएगी खूनी रिश्ते वालों की तरफ से, ब्लड रिलेटिव्स की तरफ से। तो 12वें घर और 3रे घर के ये कुछ फवायद हैं जो इन्हें मुयस्सर आएंगे कैप्रिकॉर्नियंस को, और इससे उनकी वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ सारसती है उसमें भी किसी हद तक कमी आएगी। अब बारी है एक्वेरियस की। एक्वेरियस के यहाँ ये 11वें घर में है और 2रे घर को भी एडवांटेजेस देंगे, और यहाँ पर 11वें घर के जो एडवांटेजेस हैं उसमें अचानक फवायद, छक्का लगना, कम मेहनत से ज़्यादा फ़ायदे हो जाना, खिलाफ़ तवक्को मुसबत चेंजेस आ जाना, खुद की तबीयत में मुसबत तब्दीली आना, मूड का बेहतर हो जाना, ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं। और प्राइस बॉन्ड वगैरह भी इसी सीज़न में लगा करते हैं जब जुपिटर 11वें घर में आता है। मैं प्राइस बॉन्ड की तरफ आपको बहुत ज़्यादा गहराई से इशारा कर नहीं रहा हूँ, लेकिन छक्के लगने में या अचानक बड़े फायद हासिल होने में ये भी एक चीज़ है। डूबी हुई रकम का वापस आना, नुकसानात का अजाला होना, बार बार किसी कामयाबी के हासिल होने के लिए मौके मुयस्सर आना और तवक्को से बढ़कर मुनाफा हो जाना, ये 11th हाउस की कामयाबियों में से है। और 2nd हाउस की कामयाबियाँ, क्योंकि वो भी खाना है, माल से ही रिलेटेड है, विरासती फवायद से रिलेटेड है, बहन भाइयों के डिस्प्यूट्स हल होने से रिलेटेड है, किसी दोस्त या बुज़ुर्ग की तरफ से फ़ायदा होने के से रिलेटेड है। तो जुपिटर वहाँ क्योंकि पॉजिटिव है तो वो एक साल तक के लिए इस तरह के चांस भी बने रहेंगे, और अगर ऐसे कोई चांस अभी मुयस्सर आ गए हैं इसी सीज़न में तो उन्हें अवेल भी किया जा सकता है, वो भी आपको फ़ायदा देंगे। अब आखिरी चीज़ जो पाइसिस से रिलेटेड है, वो जुपिटर से किस तरह फ़ायदे उठा सकते हैं। मैं बीइंग प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर जुपिटर को गर्दिश अय्याम के खात्मे का स्टार डिक्लेयर करता हूं, और पाइसिस के लिए वो 10th हाउस के एडवांटेजेस देगा। और 1st हाउस में, ये दूसरा सितारा है सेजिटेरियस के लिए भी, ये 1st हाउस में है और पाइसिस के लिए भी ये 1st हाउस में, तो ऑलमोस्ट इनके एडवांटेजेस मिलते जुलते होंगे सेजिटेरियस स्टार के और पाइसिस स्टार के। 10th हाउस के एडवांटेजेस में कैरियर ओरिएंटेड डेवलपमेंट्स, प्रमोशंस, इंक्रीमेंट्स, इख्तियारात में यानी कि अथॉरिटीज़ में इजाफ़ा, जॉब के हसूल में आसानी, एक से ज़्यादा जॉब्स या एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम, उसके अलावा सोर्स ऑफ इनकम में आसानी, सराउंडिंग के साथ माहौल का अच्छा होना, आपका सराउंडिंग के साथ अच्छा माहौल बनना, बिजनेस में तेज़ी, कर्ज़े का खात्मा, रुपए पैसे में बरकत, मतलब देर तक हाथ में टिकना, और
इन्वेस्टमेंट से बिग रिवॉर्ड्स एक्सपेक्ट करना, जो भी चीज़ें खरीदना है या बेचना है उससे बड़ा मुनाफा होना ये पॉसिबल है, ये पाइसिस को 10th हाउस के एडवांटेजेस। और फर्स्ट हाउस के एडवांटेज, फर्स्ट हाउस खुदादाद सलाहियतों का, नेचुरल स्किल्स का हाउस है, शख्सियत का घर है, और वहाँ पर पाइसिस को जुपिटर की वजह से अपनी शख्सियत में जादू मैजिकल इम्पैक्ट नज़र आएगा, सामने वाले आपकी ज़ात से बहुत महसूस होंगे, आप उनके ऊपर बहुत अच्छा असर डाल सकेंगे, आपकी बात को रिजेक्ट नहीं किया, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहेंगे, मरकज़ निगाह, बात करते हुए आपकी बातें लोगों के दिलों पर असर करेंगी, आपकी अपनी ज़ात में भी दिलचस्पी बढ़ेगी, खुद पसंदी जिसे कहते हैं, आपको अपने बिनाव संघार पर दिल लगेगा, और उसके अलावा खूबसूरती, पसंदीदगी, दिलचस्पी, फन, ये सब इंक्रीज़ करेगा। और ये सिर्फ बातें, ये सिर्फ शख्सियत की डेवलपमेंट यहाँ आपकी ज़ाती सलाहियतों को तो पॉलिश करेगी ही करेगी, बट आपके अंदर वो जो एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से आप दूसरों के लिए भी मुफीद हैं, उनको भी सिखाने और उंगली पकड़कर चलाने की जो ताकत है वो भी आप करेंगे, तो लोगों का आपकी तरफ फर्माबरदारी के रवैये से, ओबीडियंस के रवैये से आगे बढ़ने के चांस भी इस साल मुयसर रहेंगे। इसमें जुपिटर किसी जगह अप्रैल में जाकर रुजत में भी जाएगा, वहाँ ये चीज़ें थोड़ी कमज़ोर होंगी, वो हम लोग आपको वीडियोस में बयान कर देंगे। मैंने ये चार पार्ट्स में ये वीडियो कंप्लीट की है, हर पार्ट में तीन सितारों के बारे में बताया, उम्मीद करता हूँ कि इस जुपिटर की सिचुएशन से आप भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। दीगर सितारों के लिए हम लोग हफ्तावार एस्ट्रोजेम ऑफिशियल जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर हम लोग बयान करते रहते हैं, जो लोग नए हैं वो उसको सब्सक्राइब कर लें, जो लोग पुराने हैं उनको तो ऑलमोस्ट जैसे ही हम लोग कोई वीडियो बनाते हैं उनको नोटिफिकेशन मिल जाता है। सो उम्मीद करता हूँ इससे आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए, कमेंट्स करके अपनी जो राय है उसका इजहार ज़रूर करिएगा, कोई और इवेंट एस्ट्रोलॉजी में आएगा तो मैं उसकी वीडियो ज़रूर बनाऊँगा और आपको प्रोफेशनली उसके बारे में अवेयर करूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह नेगेबा।